व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनवायर्ड। और आज की इस वीडियो में जंग जारी है 10,000 रुपए के बजट के अंदर बेस्ट मॉनिटर बनने की। और इस जंग में जुड़ चुका है एक और नया कंटेस्टेंट, जो कि है लेनोवो की तरफ से आने वाला 21.5 इंचेस एलईडी बैकलेट आईपीएस एलसीडी पैनल। ये स्पेसिफिकेशंस के बाद सीधा सीधा ये कंपटीशन देता है एलजी की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स अंडर 10,000 रुपीज, जिसका मॉडल नंबर है 22MPVQ68 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये मॉनिटर एलजी के बेस्ट मॉनिटर को टक्कर दे पाएगा और इज इट वर्दी एनफ टू गेट योर मनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जंग से मुझे याद आया कि अगर आपको लेना है एक गेमिंग मॉनिटर या फिर एक लैपटॉप या फिर रिपेयर कराना है अपना कोई कंप्यूटर पेरिफेरल, और आपके मन में जंग छिड़ी हुई है कि किस दुकान पर जाएं और किस पर नहीं, तो थिंक नो मोर, क्योंकि आप आ चुके हो एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन पे, जो कि है कंप्यूटर प्लाजा। ये एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा स्टोर है व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। अगर आपकी कोई भी नीड है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इनकी शॉप पर विजिट करें एक बार, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपको प्राइस के मामले में और क्वालिटी के मामले में निराश नहीं करेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू रिमेंबर टू चेक देम आउट। और मेरा नाम ले देना, काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो यार सबसे पहले तो इसकी एक बार लुक्स पर नजर डालो। ओए होए 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 होए, ये अल्ट्रा सिम मिनिमलिस्टिक से बेजल्स और सिंगल चिन बॉटम में, ये वी स्टैंड बहुत ही सेक्सी सी शेप का, और पीछे खासकर ये स्मॉल सा ऑरेंज टच, एकदम मतलब कातिल जहर वाली लुक दी हुई है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। और वहीं अगर उस एलजी वाले मॉनिटर की बात करें, तो उसमें वी स्टैंड की बजाय कर्व स्टैंड आता है, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्लीक लुक लगती है। बट एक नोट करने वाली बात यह है कि जो एलजी के मॉनिटर की लुक है वो है ग्लॉसी ब्लैक, विच माइट सीम चीप टू सम पीपल, बट अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात ही आ जाती है। जो लेनोवो के मॉनिटर का कलर स्कीम है वो है डार्क ग्रे टाइप, जो इसको बहुत ही मेटालिक और बहुत ही प्रीमियम फील देती है। और अगर मेरी बात करो तो भाई अपन तो कच्चे भी वी शेप वाली पहनते हैं। सो लुक्स के मामले में आई विल गिव बोथ ऑफ देम इक्वल पॉइंट्स। जो पोर्ट ये हमें ऑफर करता है वो है एक HDMI, एक VGA और एक ऑडियो आउटपुट। वहीं अगर हम बात करें LG के 22 इंचेस मॉनिटर की, तो उसमें आपको एक एडिशनल DVI पोर्ट भी मिल जाता है, और उसके लिए हमें LG को एक प्लस पॉइंट तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं वेट की बात करूं तो लेनोवो के मॉनिटर का वेट है 6 किलो के आसपास, वहीं LG के मॉनिटर का वेट है 4 किलो के आसपास। आई नो दिस डजंट मेक एनी सेंस, कौन सा आपने रोजर मॉनिटर को उठाना है या फिर उससे एक्सरसाइज करनी है, बट अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर ही रहे हैं सो आई थॉट आई शुड लेट यू नो। स्क्रीन साइज की बात करें तो 0.5 इंचेस का यहां पर भी डिफरेंस है। लेनोवो का मॉनिटर जो है वो 0.5 इंचेस छोटा है, यानी कि 21.5 इंचेस का है, और वहीं LG का मॉनिटर 22 इंचेस का है। तो साइज और वेट के मामले में हमें LG को और प्लस पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे। दोनों ही मॉनिटर्स फुल HD है, यानी कि 1920x1080p, और दोनों ही मॉनिटर्स कैपेबल है अप टू 75Hz रिफ्रेश रेट के। व्हेन इट कम्स टू पिक्चर क्वालिटी तो यहां पर भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से ही है दोनों मॉनिटर्स। अगर मैं सीधी सीधी दिल्ली के पास में बोलूं तो 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। दोनों की ही स्क्रीन मैट फिनिश वाली है, यानी कि जब भी आप कोई मीडिया कंज्यूम कर रहे होगे या फिर अगर कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स भी उसके ऊपर पड़ता है तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो पिक्चर क्वालिटी और स्क्रीन के मामले में भी मैं दोनों को सिमिलर पॉइंट्स दूंगा। बिल्ड क्वालिटी भी दोनों ही मॉनिटर्स की बहुत ही स्टर्डी है, दोनों में आपको मेटालिक स्टैंड मिल जाएगा, साथ ही साथ जो इनका फ्रेम है वो बहुत ही सॉलिड है। प्राइसेस की बात करूं तो ऑनलाइन स्टोर्स में दोनों ही मॉनिटर्स का प्राइस आपको 8.5 से 9,000 के बीच में मिल जाएगा, वहीं ऑफलाइन स्टोर्स में आपको इजीली 9 से 9,500 के बीच में दोनों का प्राइस पड़ जाएगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये जो आप देख रहे हो इसकी चेसिस में एक वियर्ड सा फ्लेक्स है, आई डोंट नो ये इसी पीस में है जो मेरे पास है या फिर ये सारी की सारी प्रोडक्शन लाइनअप में होगा, बट अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और उसमें भी ये अजीब सा वियर्ड फ्लेक्स है तो समझ जाना कि ये चीज नॉर्मल है। अगर आप इस मॉनिटर को सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट्स गेम्स के लिए खरीद रहे हो, जैसे कि बैटल रॉयल गेम्स जो होती है, पबजी और फोर्टनाइट जैसी, तो आई वोंट रिकमेंड दिस टू यू, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स टाइम है 7 मिलीसेकंड्स और LG वाले मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम है 5 मिलीसेकंड्स, और आप जानते ही हो उन गेम्स में यार 1-1 मिलीसेकंड काउंट होता है। एक और चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगी इसमें वो है इसके व्यूइंग एंगल्स। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लाइट सोर्स नहीं ऑन किया हुआ है, सिवाय वो जो बैकग्राउंड लाइट्स हैं और इस मॉनिटर की अपनी लाइट के। आप देख रहे हो अभी ये व्हाइट कलर कैसा है, इसको नोट कर लो। अब मैं इसको अगर सीधा करूंगा तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन कितनी ही ब्राइट लग रही है, मतलब इट्स नाइट एंड डे। अगर आप इसको एकदम सामने से देख रहे हो तो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही पॉपी कलर्स लगते हैं, ब्लैक्स बहुत डीप ब्लैक्स हैं, वाइट्स बहुत ज़्यादा वाइट्स हैं, बट अगर जैसे ही आप हल्का सा भी इसका व्यूइंग एंगल टिल्ट करते हो तो कलर्स वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट, और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सेम प्राइस में आपको एक DVI पोर्ट मिल रहा है एक्स्ट्रा, और 0.5 इंचेस का साइज भी ज्यादा मिल रहा है LG के मॉनिटर में।
सो आई थिंक यू बी द बेटर जज. और आई थिंक एलजी का मॉनिटर जो है वो अभी भी अनडिस्प्यूटेड विनर बनता है हमारा अंडर 10,000 रुपीज के बजट में, अगर आपको मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो. लेनोवो के फेवर में जो पॉइंट्स है वो है इसकी बहुत ही प्रीमियम फिनिश और इसका वी शेप वाला स्टैंड. अगर किसी को कर्व शेप से ज्यादा वी शेप वाला स्टैंड पसंद है तो आई थिंक उसी को इस मॉनिटर के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज LG वाला मॉनिटर इज अ वेरी सेफ बेट. सो दिस इज इट गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग Lenovo 21.5 इंचेस IPS LCD बैकलाइट मॉनिटर, जो कि अंडर 10,000 रुपीज में आपको काफी अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो देता है. सो गाइज, मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत. स्पेंड योर मनी वाइजली. ऑल द बेस्ट चूज करने के लिए एक अच्छा मॉनिटर अंडर 10,000 रुपीज. आपका पैसा है, सोच समझ के अच्छे से यूज करना. जागो ग्राहक जागो. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना. चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना लास्ट वाली वीडियो देख लो, मैंने उसमें बताया था कि मैं मिलता हूं आपसे इस तरह की एक मजेदार वीडियो में. तब तक के लिए एडियोस.